जी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पाई नेटवर्क के बहुत ही अहम तीन अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। आपको बता दूं शुरू में ही कि पहले नंबर पे केवाईसी को लेके हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आपके साथ बात जो करूंगा पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग डेट के बारे में, और तीसरे नंबर पे आपके साथ इसकी चेक लिस्ट जो है उसके हवाले से बात करूंगा। इंशाल्लाह जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, इसकी प्राइस क्या होगी, और आपकी केवाईसी क्यों नहीं हो रही, आपके पास मैसेज नहीं आ रहा, या आपने अपनी केवाईसी को कंप्लीट किया, आपका जो प्रोसेस है वो वर्किंग में नहीं है, आपकी केवाईसी नहीं हुई, इसकी लॉन्चिंग डेट कब है, इसकी चेकलिस्ट में आपको क्या क्या मसला दरपेश आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे मसले आपके क्लियर करूंगा। अगर कोई और भी मसला आपका आ रहा है तो आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको सलूशन बता दूंगा। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के आपको वीडियो मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आप जब सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत बड़ा दुख होता है। जी दोस्तों, आप कम सब्सक्राइबर देख के, घट सब्सक्राइबर देख के, लेस सब्सक्राइबर देख के आप जब सब्सक्राइब नहीं करते तो यार थोड़ा तकलीफ होती है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, तो आप सब्सक्राइब, आपका तो हक बनता है कि सब्सक्राइब करना। होप सो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब, जिसमें मैं आपको अभी बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीन अपडेट्स हैं, ये आपने लाजमी सुनने हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। केवाईसी अगर नहीं हो रही, आपकी कोई भी मसला आ रहा है, आपको ए टू जेड यहाँ पर प्रोसेस बताऊँगा, चेक लिस्ट बताऊंगा और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है कंफर्म वो बताऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहां पे पाई नेटवर्क जो एप्लीकेशन है उसको भी मैंने ओपन कर लिया है। जो ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जिसको हम कहते हैं फ्री वाली माइनिंग, या फ्री वाली मायने करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और भी ऑप्शन आता है जो कि होता है केवाईसी का। ये देखें, ये अब ऑप्शन आना शुरू हो चुका है। ये किन लोगों को मिलेगा ये भी आपको बता दूँ, जो रेगुलर डेली बेसिस पे इस एप्लीकेशन के ऊपर मायने कर रहे हैं पाई नेटवर्क, उनको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी केवाईसी जो है आप कर लें। सो इसको मैं थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ से आपने इसको ख़त्म कर देना। ऊपर जो आपको क्रॉस कर बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस करके नीचे एक सिक्योरिटी सर्कल का भी मुझे ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी सर्कल का भी आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा। इसको मैं इसलिए, मतलब मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक सिक्योरिटी सर्कल वाला, ये वाला अभी कंप्लीट नहीं किया। सो केवाईसी का मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपकी केवाईसी में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको ये मैसेज केवाईसी के हवाले से नहीं आता तो आपने अपनी केवाईसी जो करनी है ना, वो केवाईसी किस तरह करेंगे आप? सो आपने ऊपर क्लिक कर देना है, थ्री डॉट का आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपने आ जाना है पाई ब्राउज़र के ऊपर। अगर यहाँ से भी आप नहीं आते तो आपने इसको ओपन कर लेना है, सॉरी इसको डाउनलोड कर लेना है पाई ब्राउज़र को। पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करना बहुत ही मतलब ज़रूरी है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो पाई ब्राउज़र को आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस लेके आ जाएगा। यहाँ पे तकरीबन एक आधा मिनट लोडिंग होगी, देन आपके पास ये ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है जो कि बिटकॉइन को टक्कर देने वाला है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करते रहें। अगर आपने माइनिंग करना छोड़ दिया तो आपने इसके ऊपर दोबारा से शुरू कर देना है अपनी माइनिंग। अगर आपको नहीं पता तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नहीं करना चाहते तो प्ले स्टोर से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं पाई नेटवर्क लिख के। इसका लोगो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, स्टार्ट में मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था आपको इसका लोगो कैसा है, इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर केवाईसी का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसका वैलेट अपना है, बिटकॉइन जो कि इतना महंगा कॉइन है उसका अपना वैलेट नहीं है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। इसका अपना एक तो वैलेट है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, इसकी डेवलप आई है, इसका ब्रेन स्टॉर्म है, मतलब इसकी ये सारा कुछ इसका अपना है पड़ा। अभी तक इसकी डेट लॉन्च नहीं हुई, वो क्यों नहीं हो रही वो भी मैं आपको बताता हूँ।
कब होगी ये भी आपको बताता हूँ। पाई केवाईसी के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर आपकी आपके पास वो मैसेज नहीं आ रहा देन आपने यहाँ पे आना है। अगर वो आपके पास मैसेज आ रहा है तो वहीं से आप अपनी केवाईसी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो मैसेज नहीं आ रहा या आपसे मिस हो गया है तो आप देन यहाँ पे आ सकते हैं। पाई केवाईसी के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको वो इंटरफेस आएगा। अगर आप आपकी केवाईसी नहीं हुई तो वो आपको फॉर्म दिए जाएंगे जिनको आपने फिल करना होगा। फॉर्म में क्या होता है, आपका CNC वो आप लेते हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं, आपकी वीडियो बनवाते हैं, वो जहाँ पे आप बैठे होते हैं उसी वक्त की वीडियो। उसमें आपको मुस्कराना भी होता है, उसमें आपको बोलना भी होता है, उसमें आपने फॉर्म में फिल भी करना होता है क्या आईडी कार्ड नंबर जिसके आप वेरिफिकेशन करते हैं, तस्वीरें देते हैं और उसके ऊपर जो आपका नेम होता है। ये देखें मैंने अपनी KYC कर ली हुई है। मेरी जो KYC है वो रिव्यू इन प्रोग्रेस आ रही है क्योंकि मेरी अभी KYC जो है मेरे जिस वैलिडेटर के पास भी है उसने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया, या तो उसको पता नहीं चला या उसको पता चला है तो उसके पास KYC की एप्लीकेशन ज़्यादा आ चुकी हैं। इस वजह से मेरी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में चल रही है। ये तकरीबन इसको एक महीना होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक महीने से भी ज़्यादा हो सकता है अभी तक मेरी KYC पेंडिंग में चल रही है। तो मैं आपको दोबारा ले आता हूँ यहाँ पे पाई नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसकी चेकलिस्ट जो है यहाँ पे आपको बटन के ऊपर नीचे भी नज़र आ रही है, मेन नेट चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट बहुत ही ज़रूरी है। ये चेकलिस्ट आपने लाजमी इनको क्लियर करेंगे तो आपके जो बैलेंस है उसको आप निकाल सकेंगे। इसकी जो प्राइस आने वाली है, जी हाँ दोस्तों, इसकी जो प्राइस है तकरीबन मिनिमम $5 से भी ज़्यादा होगा एक कॉइन इसका। दोस्तों आपने चेक लिस्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास जो है पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है, वो होगा तो आपका काम चलेगा। देन आपका उसके ऊपर वैलेट, जो मैंने आपको बताया है कि पाई नेटवर्क का वैलेट, यहाँ पे वैलेट भी आपका बना होना चाहिए। देन आपका आ रहा है कन्फर्म यूर पाई वैलेट, पाई वैलेट आपका रजिस्टर भी होना चाहिए जो कि मेरा नहीं है। जो स्क्रीन के ऊपर भी मुझे ये बता रहे थे कि आपका पाई नेटवर्क जो वैलेट है वो अभी नहीं बना, इसको मैं इंशाल्लाह आज ही सेट कर लेता हूँ। देन आपके सामने ये सारा कुछ आपके सामने है, इसको आपने क्लियर करना है। सबमिट योर KYC मैंने अप्लाई की हुई है, वो इंशाल्लाह जब उसका रिज़ल्ट आएगा KYC अप्रूव हो के आएगी तो पाँचवा और छठा जो मेरा ऑप्शन है ये ग्रीन टिक हो जाएगा इसमें। देन एक मेरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा माइग्रेट योर बैलेंस, तो मेरा जो बैलेंस है उसको मैं अपने मेन नेट में माइग्रेट कर सकूंगा, उसको सेल भी कर सकूंगा। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि सेल कर रहे हैं अपने जितने भी उनके वैलेट हैं, सॉरी कोइन हैं, वो लेस प्राइस में, वो कह रहे हैं यार हो सकता है ये फेक हो, वो अभी से मतलब सेल कर रहे हैं। सो होप सो दोस्तों आपने सेल नहीं करने। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट